सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज के इस्तेमाल से हम सामने के और दूर के कुछ सिंगुलर और कुछ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स और नाउन को दिखा सकते हैं, है ना। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि इन्हीं शब्दों से शुरू होने वाले सेंटेंस में कुछ एक नया वर्ड जोड़ते हुए हम ये दिखाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है, ये नाउन्स जो हैं, वो किनके हैं। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज अ टॉय, यह एक टॉय है। अब ये टॉय जो है, ये सामान जो है, किसका है? तो दिस इज माय टॉय, ये टॉय मेरा है। या फिर This is your toy, यह toy तुम्हारा है। तो चलिए अब हम इन शब्दों को ही देखते हैं। और वे शब्द हैं my यानी मेरा, your तुम्हारा, our हमारा, His उसका। ये his का इस्तेमाल करेंगे एक लड़के के लिए, ठीक है। Her उसका, ये her का इस्तेमाल होता है लड़कियों के लिए। Their उनका, Your तुम सबका। यहाँ पर your दो है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है। तो ये शब्द को, इन शब्दों को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। इन शब्दों से हम दिखाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो नाउन किनके हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चार्ट के इस्तेमाल से अब फिर से सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। दिस, That, these, those, is, are, my, your, our, his, her, their, your। अब यहाँ पर कुछ सिंगुलर और कुछ प्लूरल नाउन्स यहाँ पर लिख दीजिए। बॉक्सेस, पेन, बुक्स। बॉटल एक्सेट्रा, या फिर आप अपनी इच्छा से कुछ भी शब्द यहाँ पर, कुछ भी नाउन लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसको किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग कोई भी एक शब्द ले लेंगे, दिस, दिस के साथ होगा इज माई टॉय, दैट इज योर पेन, ठीक है। बच्चों याद रखिएगा कि आप अगर दिस दैट का यूज कर रहे हैं तो आपका जो नाउन है, ऑब्जेक्ट है, वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि दिस दैट यूज होता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए एंड दीज एंड दोज यूज होता है प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे दिस इज His pen, that is your bottle। और इस तरह से आप बहुत सारे sentences इस तरह के table से आप use कर सकते हैं। Okay, तो अब इसके बाद एक और important है कि हम लोग अगर वो सामान, कोई भी एक ऑब्जेक्ट
लाइक टॉय की ही बात कर ले, ये सामान जिनका है हम उसका नाम जानते हैं, लाइक ये सामान है ऋतु का, तब उसे सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे? दिस इज ऋतुज टॉय। यहाँ पर आपको ऋतु के नाम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है, ठीक है? आप अगर किसी का भी नाम इस जगह पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पर लिखना चाहते हैं, वहाँ पर आपको नाम के बाद जस्ट एक ऊपर में एक छोटा सा इस तरह का कॉमा एंड एस लिख देना है, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं खुद से, ओके?